वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन मुनीब शाहिद। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद, अहमदाबाद को हमने देख लिया था, बहुत ही अच्छा सिटी लगा था, तो अब हम सीधा चलते हैं बुलेट ट्रेन पे। बेसिकली हम लोग बुलेट ट्रेन देखना चाह रहे थे। तो उसको देखते देखते अहमदाबाद का टूर हो गया। हाँ। और उसको जब टूर किया तो हमें पता लगा वाकई ये कोई आम शहर नहीं, अहमदाबाद ही है। हाँ, और लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी कि मेरे मुंह से निकल गया था कि अहमदाबाद जो है वो गुजरात स्टेट का कैपिटल है, जबकि वो नहीं है, गांधीनगर है। मैंने भी लाया इस कमरे पर गांधीनगर है, हमें पहले पता था क्योंकि हमने पहले की थी वीडियो गल्फ सिटी, गिफ्ट सिटी की थी। हाँ, गिफ्ट सिटी जो है वो भी गुजरात में है, उसमें भी बताया गया था कि गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। चलो खैर, गलती होती रहती है, शुरू करें वीडियो। हम सीख रहे हैं आस्ते आस्ते, भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। वीडियो को शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सारी अच्छे हैं। मैं आपको लेकर आ चुका हूं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में मैं आपको दिखाने वाला हूं अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का काम। एनिमेशन है ना? हाँ, एनिमेशन है। और ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, ये जो रेलवे स्टेशन है ना अहमदाबाद का, वहीं पर बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मेरे पीछे देखोगे तो आपको पियर भी दिख जाएगा। पियर बनाने का जो काम है वो इस जगह पर किया जा रहा है, ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 के ऊपर। इस तरफ है मुंबई, और इसी तरफ ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है ना, वो आगे मुंबई को जाने वाली है। अहमदाबाद में इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा कि बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है उसका काम किया जा रहा है, पियर को बनाने का। और बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होने वाला है ना दोस्तों, वो पिलर्स के ऊपर ही होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पिलर का काम दिखेगा, और राइट हैंड साइड में आपको एक ट्रेन भी दिख जाएगी यहाँ पर। तो ये ट्रेन जस्ट अभी आई है, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर है ये है 8, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ ये है 9, और जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये था प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। अब तो इसे हटाकर उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना बुलेट ट्रेन का, वो किया जा रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं, और इस वक्त भी अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो किया जा रहा है। सामने आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा। तो एक्चुअली ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, इससे भी इस बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है ना, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होने वाला है अहमदाबाद का। और पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा काम हो चुका है। वाले हिस्से तक देखोगे तो यहाँ तक तो पियर्स बन चुके हैं पूरी तरीके से। अब इस जगह पर पियर कैप का काम किया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बाकी पियर के जो हिस्से हैं जिनको भी कंस्ट्रक्ट करना है वो किया जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो पियर्स बन चुके हैं, पियर के ऊपर पियर कैप का जो काम किया जाना है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्रेम सेटअप किए जा रहे हैं जिनकी मदद से ना इस जगह पर बनाया जा सके पियर कैप। इस तरफ आगे जाओगे तो अगला जो स्टेशन आएगा वो साबरमती का है, और वहीं से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ये साबरमती से, ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है। और उसके बाद ये अहमदाबाद होते हुए आगे मुंबई को जाएगी। और इस जगह पर देखोगे तो अच्छा खासा काम हो चुका है, फ्रेम को सेटअप भी कर लिया जा चुका है। ये देखो ये यहाँ पर टीम काम कर रही है, सुबह सुबह का वक्त है और इस समय भी आपको काम करती हुई नजर आ जाएगी। ये अच्छा लगा देखकर यार, है ना।
दिन रात अपने देश के इस सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पे काम चल रहा है। और ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है ये 1,00,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। 2027 में इसका सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2027 से आप बुलेट ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, और सामने ये देखो एक ट्रेन भी आ रही है, और कितना अच्छा नज़ारा होगा ना। बुलेट ट्रेन जो है वो पिलर्स के ऊपर रहने वाला है, और इंडियन रेलवे की ये ट्रेन, ये तो आपको ऐसे ही दिख जाएगी जैसे इस वक्त पे है। और इंडियन रेलवे से भी आप इस नज़ारे को देख सकते हैं। ट्रेन पुराना स्टेशन है अहमदाबाद स्टेशन टर्मिनल 9। आज के इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। अच्छा, ये वीडियो है लास्ट ईयर अप्रैल की, मैं ये चीज नोट कर रहा था, और अप्रैल अभी फिर आने वाला है। ऑलमोस्ट इस वीडियो को भी तकरीबन साल होने को साल हो गया, तो मतलब अभी जो इन्होंने बताया कि पिलर्स, और पिलर्स पे हमने फिर ट्रैक बिछाना है, तो वो ट्रैक वगैरह बिछ चुका होगा। अंदाज़ा कर रहे हैं 24 घंटे काम हो रहा है, एक साल भी हो गया है। हाँ, एक साल भी हो गया, तो वो अभी लेटेस्ट वीडियो देखते हैं इसकी, कोई अगर मिलती है तो वो भी देखेंगे। बाकी इन्होंने वो बताया ना साबरमती का वो स्टेशन, एक रिक्वेस्ट उसकी भी आई थी कि वो भी देखें साबरमती, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरा, वो अभी वो भी आप लाजमी देखें। तो वो ये वीडियो में जब आया वर्ड इसने बोला था भाई ने, तो हमें याद आ गया दोबारा, वो भी लाजमी लाएंगे। बाकी बुलेट ट्रेन नो डाउट है ही सिर्फ दुनिया के तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्री के पास हैं, इंडिया भी उस लिस्ट में शामिल हुए जा रहा है 2027 में। बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर कंपटीशन लगा हुआ होता है कि किसकी बुलेट ट्रेन कितनी कंफर्टेबल और कितनी स्पीड है। इवन हाँ। जापान और चाइना का तो आपस में वैसी रेसें लगी हुई हैं, कभी कोई बीट कर रहा है, कभी कोई किसी को बीट कर रहा है। तो अब उसमें भी कैटेगरीज हैं बुलेट ट्रेन में भी बहुत सारी। एक साल पहले की ये वीडियो है, इसका मतलब है कि अभी एक साल में हमें काफ़ी हद तक काम होता नज़र, क्योंकि 2024-23 ऑनवर्ड एक साल ये बन गया। अगर सारे के सारे जो कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अगर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इसकी जो पटरी बिछानी है बुलेट ट्रेन की स्पेशल, हाँ, वो खुद एक बहुत बहुत बड़ा और बड़ा एक हैवी काम है। उसमें आपको वो सारा एक मैसिव ट्रैक सारा बनाना करना, और ये मेरे ख्याल से रहेगी ज़्यादातर ओवर द ब्रिज ही रहेगी, क्या पता यहाँ स्टेशन ग्राउंड ऑन ग्राउंड नहीं होगी, बहुत कम होगी, ये मैंने सुना था। नहीं, अगर ऑन ग्राउंड होती भी है ना, तो बेसिकली इसको साइड फेंसेस के जरिए से कवर किया जाता है, या तो अंडरग्राउंड होगी, अंडरग्राउंड ओवर द ब्रिज होगी। अच्छा, इन दोनों कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली फिर इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बूस्ट कर जाएगा। क्या बताया था, 700 करोड़ नहीं, 1,00,000 करोड़। अब मसला ये है, 1,00,000 करोड़ वाली कैलकुलेशन नहीं समझ में आती इसमें। खैर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही दी उन्होंने, सिर्फ ओवरव्यू ही दी है कि ये अभी अपडेट है कंस्ट्रक्शन की, रूट के बारे में नहीं बताया गया कि रूट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ट्रैक की लेंथ कितनी होगी टोटल। हाँ, तो ये चीज़ें उसके बाद ये कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा आपस में, किस किस स्पेसिफिक जगहों के लिए चलाया जाएगा, इनिशियली कितने एरियाज को कनेक्ट करेगा, बाद में इसकी एक्सटेंशन प्लान क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें अभी इन्फॉर्म होना बाकी था। चलो, हमारी तरफ से पहला जिसे कहते हैं एंट्री थी बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन को ही देखना, मतलब कि वहाँ पर काम हो रहा है और इस लेवल तक पहुँच गया, ये बड़ी चीज़ है। मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी इस वीडियो में वो 24 घंटे काम वाली है, कि सुबह 6 बजे भी काम हो रहा है, जैसे भाई ने भी बोला कि दिन रात काम हो रहा है। असल में अचीव करना है, इशू ये है ना कि बुलेट ट्रेन बनाना कोई इतना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अब इसको आप अगर जितना ज़्यादा इसमें आप शिफ्टें ऐड करके आप काम करेंगे, तो उतना आपका टाइम मिनिमाइज होगा। अगर ये इसको सिंगल शिफ्ट में करते तो शायद ये 2032-33 में जाके कंप्लीट होता। तो इनका टारगेट है कि इसको एज सून एज पॉसिबल, इसको एन मुमकिन है इसको 3-3 शिफ्टों के अंदर करके 24 आवर जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि 27 में तो हो रहा है ना वैसे। हाँ, ताकि जल्दी जो है वो लोगों को इसकी जो है वो सहूलत मैसर हो सके। अच्छा, जो स्टेशन था इसमें वो, और जो एक बुलेट ट्रेन एनिमेशन दिखाई गई वो बहुत ही कोई यूनिक सा लग रहा था। डेफिनेटली रियल शायद इस तरह से ना हो, कुछ और हो, बट जो स्टेशन का बताया था वो यही कह रहे थे कि इसी तरह से होगा स्टेशन अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का, जिस तरह से वो दिखाया गया है। बाकी यह है कि साथ साथ इसको कवर करते रहेंगे, तो हमें
पता भी लगेगा कि आगे ट्रेनें किस तरह होने वाली है, क्योंकि जो दूसरी ट्रेनें हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर तक जा रही हैं उनके स्टेशन इतने प्यारे हैं। जो अभी हमने पिछले दिनों कुछ स्टेशन की वीडियो की थी, तो वो स्टेशन उनका टाइटल ये था कि ये एयरपोर्ट जैसे हैं। नो डाउट, हाँ वो था। उनका एरियल व्यू इतना प्यारा, मतलब कि मोस्ट लग्जरी से कह लें, वो ऐसा नहीं है कि वैसे ही कह रहे हैं एयरपोर्ट जैसा, वो वाकई एयरपोर्ट जैसा था। और ये जो बुलेट ट्रेन बनेगी इसका स्टेशन कैसा होगा, मैं वही चीज़ सोच एनिमेशन के मुताबिक ही होगा, उससे बेहतर ही शायद हो जाए। हाँ हो सकता। तो ये भी सजेस्टेड वीडियो थी। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास लेटेस्ट वीडियो है तो वो लाजमी लिंक शेयर कर लें, पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, या जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट में कर लें शेयर, वो भी हम लेके आएंगे, खुद भी हम देख रहे हैं, अगर हमें मिल जाती है तो हम ले आएंगे। बाकी जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।